गाइस शाओमी इंडिया में यार काफ़ी सारे डिवाइसेस में MIUI 14 को कंटिन्यू रिलीज़ कर रहा है, और आज की डेट में भी यार काफ़ी सारे जो नए अपडेट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे डिवाइसेस में नए एनिमेशंस, नए चार्जिंग फीचर्स, प्लस यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजेशंस देखने को मिले। और यहाँ पर एंड्रॉयड 14 की टेस्टिंग हो चुकी है, काफ़ी सारे डिवाइसेज में इंडिया में भी ये रोल आउट होने वाला है, ग्लोबल में आ चुका है। देन इंडिया की वारी है, तो इंडिया में MIUI 15 और एंड्रॉयड 14, और यहाँ पर एंड्रॉयड 14 जो है कुछ डिवाइसेज में MIUI 15 और MIUI 14 के साथ भी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए काफी सारी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज है। ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए, चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो भाई यहाँ पर काफ़ी सारे डिवाइसेस में यहाँ पर गूगल की तरफ से सिक्योरिटी पैच के जो अपडेट्स हैं वो रिलीज़ किए जा रहे हैं। अगर आप रेडमी नोट 10, रेडमी नोट 10 एस, रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, रेडमी नोट 11, रेडमी नोट 11 प्रो, रेडमी नोट 12 प्रो, या फिर इसके अलावा और भी काफ़ी सारे नोट सीरीज़ के डिवाइस यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आपको गूगल की तरफ से ये सिक्योरिटी पैच का जो एक नया अपडेट है इन सारे ही डिवाइसेज में मिला है। और इन सारे ही डिवाइसेज में ये जो है 11 MB के आसपास इसका जो साइज़ है वो देखने को मिला है। तो अगर आप यहाँ पर इसको अपडेट करना चाहते हो, ये कोई बीटा मतलब टेस्टर या फिर ये अपडेट सारे ही यूजर्स को एक ही बार में रिलीज किया जाता है, तो आप इस पर सिंपली टैप करके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि काफ़ी छोटा और काफ़ी माइनर अपडेट होता है, जिससे आपका गूगल का सिक्योरिटी पैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर अगर आप रेडमी नोट 12 प्रो, रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5G मॉडल यूज़ करते हो, तो भाई इसके लिए MIUI 14 का एक नया अपडेट जो वो रिलीज़ कर दिया है, 14.0.4.0 है, जो कि 287 MB का यहाँ पर रिलीज़ किया गया। काफ़ी बढ़िया अपडेट है, और इस अपडेट में आपको यहाँ पर सेप्टेम्बर सिक्योरिटी पैच के साथ ये 2023 का जो सिक्योरिटी पैच है वो मिल जाता है, और ये अपडेट जो वो सारे यूज़र्स के लिए रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया। अभी आप सिस्टम अपडेट में जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो, ये अपडेट मिल गया होगा। और गाइस अपन नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ, तो अगर आप शाओमी 12 प्रो यूज़ करते हो, तो भाई एक नया अपडेट जो वो इस डिवाइस के लिए यहाँ पर रिलीज शाओमी ने कर दिया है। इस अपडेट की मैं बात करूँ तो भाई 14.0.16.0 है, जो कि भाई आप देख सकते हो 398 MB का यहाँ पर रिलीज़ किया गया। इस अपडेट में भी आपको यहाँ पे सितंबर 23 का जो सिक्योरिटी पैच है वो देखने को मिल जाता है, और इस अपडेट में आपको काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजेशंस भी देखने को मिलेंगे। तो ये शाओमी 12 प्रो के लिए जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। EA में काफ़ी जल्द और भी डिवाइसेज में अपडेट मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पर अगर आप पोको F3 यूज़ करते हो, तो भाई इसके लिए भी MIUI 14 का एक नया अपडेट जो है नए सिक्योरिटी पैच के साथ यहाँ पर Xiaomi ने रिलीज़ कर दिया है। इस अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो भाई आप यहाँ से देख सकते हो 14.0.8.0 है, जो कि 213 MB का यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, और इस अपडेट में भी आपको सेप्टेम्बर 23 का जो सिक्योरिटी पैच है वो देखने को मिला, और ये जो अपडेट है वो ग्लोबल में देखने को मिला है। और अगर मैं बात करूँ इंडिया डिवाइसेज की, इंडिया में भी काफ़ी जल्द एक नया अपडेट यहाँ पर मिलने वाला है। और गाइस यहाँ पर अगर आप पोको F5 यूज़ करते हो, तो भाई यहाँ पर भी एक नया अपडेट जो है वो देखने को मिला है। इस अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो भाई 14.0.9.0 है, जो कि 131 MB का यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, और इस अपडेट में भी आपको सितंबर 23 का जो सिक्योरिटी पैच है वो यहाँ पर देखने को मिला है। ये अपडेट बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और ये जो है वो भी EA में देखने को मिला है, और काफ़ी सारे जो अपडेट्स हैं और भी इस डिवाइस के लिए यहाँ पर कंटिन्यू रोल आउट किए जा रहे हैं, जिसमें आप यहाँ पर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। और गैस यहाँ पर रेडमी K70 सीरीज़ का जो डिवाइस है वो यहाँ पर शाओमी के सर्वर पे स्पॉटेड हुआ है, और ये लॉन्च जो है वो MIUI 15 के साथ होने वाला है। तो कुछ स्पेसिफिकेशंस और कुछ डिटेल यहाँ पर निकल कर आई है। अभी आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट वीक दिसंबर के अंदर MIUI 15 को शाओमी रिलीज़ कर रहा है, जिसमें ये जो डिवाइस है यहाँ पर इसके मतलब इसके लॉन्च के साथ ही यहाँ पर इसको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 और MIUI 15 जो वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग का जो फर्स्ट बिल्ड है वो आ गया, जिसमें आप देखोगे 15.0.0.1 का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी जल्द इसका जो रोल आउट है वो होगा, और यहाँ पर काफ़ी जल्द इसमें MIUI 15 भी देखने को मिलेगा। और गैस यहाँ पर अगर आप पोको F4 यूज़ करते हो, तो भाई इस डिवाइस के लिए भी MIUI 14 का एक नया अपडेट रिलीज़ कर दिया गया है। इस अपडेट की मैं बात करूँ तो भाई आप देख सकते हो 14.0.4.0 है, जो कि 203 MB का यहाँ पर रिलीज़ किया गया, और इस अपडेट में आपको काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजेशंस मिलेंगे, और इसमें आपको सिक्योरिटी पैच है वो सितंबर 23 का देखने को मिल जाता है। तो ये जो अपडेट है वो अभी ग्लोबल में देखने को मिला है, और अभी ये सारे यूज़र्स को नहीं मिला है। हाईली एफिशिएंट अपडेट है, और काफ़ी जल्द ये सारे यूज़र्स को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप रेडमी का नोट 12 4G मॉडल यूज़ करते हो NFC, तो भाई ग्लोबल में जस्ट नाउ एक अपडेट आया है, 14.0.7.0 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, और इस अपडेट में आपको सितंबर 23 का सिक्योरिटी पैच भी यहाँ पर मिला है। और आप देखोगे
ग्लोबल में ये आया है NFC मॉडल के लिए और नॉर्मल मॉडल के लिए भी दोनों ही डिवाइसेज में मिला है, रेडमी नोट 12 4G मॉडल और रेडमी नोट 12 4G मॉडल NFC मॉडल। ये मतलब दोनों ही डिवाइसेज के लिए अपडेट्स रिलीज़ किए हैं और रेडमी नोट 12 के अंदर यहाँ पर 14.0 का अपडेट देखने को मिला है। और गैस इंडिया में अगर आप Redmi 12C यानी कि Poco C55 यूज़ करते हो तो भाई 14.0.3.0 का एक नया अपडेट जो है वो इन दोनों ही डिवाइसेज, हालांकि डिवाइस सेम है दोनों ही मॉडल्स और सेम ही अपडेट यहां पर रिलीज़ किया जाता है, तो यहां पर एक नया अपडेट जो है वो इंडिया में देखने को मिला है। अगर आप इसको स्टेबल यूज़ करना चाहते हो तो भाई अपडेट अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो। और गैस यहाँ पर अगर आप Redmi Note 11 और Pro डिवाइस यूज़ करते हो तो भाई यहाँ पर काफ़ी सारे जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिले हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पर Google की तरफ से मैसेज बीटा का एक लेटेस्ट अपडेट जो वो यहाँ पर रिलीज़ किया गया, इसमें काफ़ी सारे बग्स फिक्स किए हैं, देन स्टेबिलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। और यहाँ पर Google डायलर के भी एक न्यू अपडेट मिला है, इसमें आप देखोगे लेटेस्ट अपडेट है और इसमें कॉल एक्सपीरियंस जो है वो डिवाइस में US वाला मिलेगा और यहाँ पर Google असिस्टेंट का भी सपोर्ट काफ़ी सही तरीके से मिलता है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया अपडेट है, ट्राई कर सकते हो। और एंड्रॉयड ऑटो यानी कि एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू का एक नया अपडेट आया है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। और सारे ही डिवाइसेज ऑलमोस्ट काफ़ी सारे डिवाइसेज में एंड्रॉयड एक्सेबिलिटी सूट का एक जो नया अपडेट है वो मिला है, इसमें टॉक बैक का फीचर मिलता है जो कि 14.0.1 को सपोर्ट करता है और इसमें स्टेबिलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पर किया है। और एप्स वॉल्ट का भी एक न्यू अपडेट जो वो देखने को मिला है रेडमी नोट 11 और प्रो दोनों ही डिवाइसेज में, जिसको आप इजिली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और गैस Redmi Note 10 और Redmi Note 10s में भी काफ़ी सारे अपडेट्स मिले हैं, यहाँ पर आप देखोगे एमआई स्टोर का एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको देखने को मिला है और यहाँ पर एप्स वर्ल्ड का भी एक न्यू अपडेट मिला है, इसमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशंस ऑप्टिमाइजेशंस और कन्वीनियंट वेरिएंट के जो नए फीचर्स हैं वो मिले हैं। और यहाँ पर मैसेज बीटा का भी एक न्यू अपडेट जो है गूगल की तरफ से देखने को मिला, ट्राई कर सकते हो। और एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू का भी एक नया अपडेट आया जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर भी एंड्रॉयड एक्सेबिलिटी सूट का न्यू अपडेट आया है जिसमें टॉक बैक आ जाता है और यहाँ पर स्टेबिलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस प्लस इंप्रूव यहाँ पर किया गया है। और सिस्टम सिक्योरिटी का भी एक न्यू अपडेट आया जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max में भी कुछ MIUI 14 और MIUI 15 के सिस्टम ऐप के अपडेट्स देखने को मिले हैं, जिसमें आप देखो कि सिक्योरिटी ऐप का एक लेटेस्ट अपडेट जो वो यहाँ पर देखने को मिला है, काफ़ी बढ़िया स्मूथ अपडेट है, डाउनलोड कर सकते हो। और थीम का भी एक न्यू अपडेट मिला है, इसमें आप देखोगे इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड इंप्रूव यूज़र एक्सपीरियंस, तो ये बढ़िया अपडेट है, आप ट्राई कर लेना, न्यू वॉलपेपर्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको ये वाला अपडेट तो मिल ही जाता है, ट्राई कर सकते हो। और गूगल डायलर का भी एक न्यू अपडेट जो वो इस डिवाइस में देखने को मिला है और मैसेज बीटा भी आप ट्राई कर सकते हो, इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। और एंड्रॉयड एक्सेबिलिटी सूट का अपडेट आया है जिसमें आपको 14.0.1 का सपोर्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है, जिसको आप इजीली डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हो। तो ये जो अपडेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हैं, जिनको आप ट्राई कर सकते हो। और ये जो अपडेट्स हैं वो सारे ही डिवाइसेस के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आपको यहाँ पर कौन सा डिवाइस में कौन सा अपडेट चाहिए है या फिर आपको मिल गया नहीं मिला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, जिससे एग्जैक्टली जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आगे भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।